तो आज के इस वीडियो में हम रेसिपी तो जरूर शेयर करेंगे लेकिन अपने किचन में नहीं। आज हम जा रहे हैं अल्ट्रा फ्रेश मॉड्यूलर किचन। तो इनके स्टूडियो में विजिट करने का सबसे पहला रीजन तो यही था कि हमें खुद का भी मॉड्यूलर किचन सेटअप करवाना है। तो हम सोच रहे थे अगर हम जा ही रहे हैं तो फिर एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, जिससे अगर कभी फ्यूचर में आप लोग भी अपना मॉड्यूलर किचन सेटअप करवाने का सोचें तो शायद आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। किचन इनका विक्टोरियन स्टाइल था जो कि बहुत ही ज्यादा हैपनिंग वाइब्स दे रहा था और इसका कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा था। तो इसी में हमने सोचा रेसिपी भी शूट कर लेते हैं। तो यहाँ बन रहा है सूजी का केसरी हलवा। सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डाल के इसमें ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले काजू बादाम और पिस्ता को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें किशमिश डालेंगे, क्योंकि किशमिश जल्दी जल जाती है इसलिए इसे बाद में ही डालना है। और फिर थोड़ा सा इन्हें सॉटे करेंगे दोबारा से और निकाल लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। अब एक पैन में डालेंगे 1 कप देसी घी और जितनी आपने घी डाली है उतना ही सूजी भी डालना है। तो अब इसमें 1 कप सूजी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे सूजी को घी में अच्छे से भून लेंगे। जब तक सूजी का कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता इसे चम्मच से कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते रहना है। तो ये देखिए सूजी अब अच्छे से भुन चुकी है और इस स्टेज में अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें 2 कप पानी ऐड करना है। जिस कप से आपने सूजी ली है उसी कप से आपने पानी भी ऐड करना है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करके ढक के धीमी आंच पे सूजी को पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने इसे खोला है तो सूजी के दाने पानी में अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीनी आपकी मेल्ट हो जाएगी और हलवा लिक्विड हो जाएगा। ये 1/2 कप दूध में केसर डाल के रखा हुआ है, इसे भी इस हलवे में ऐड कर देंगे। और बस अब मीडियम फ्लेम पे आराम से इस हलवे को चलाते रहना है। थोड़ा सा पकाने के बाद ये हलवा बनके तैयार है। अब इसमें डालेंगे रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके सर्व करेंगे। तो ये हलवा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही दानेदार और टेस्टी हलवा बन के तैयार हुआ था। और ऐसा किचन होना तो कुकिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इनके स्टूडियो में पहुंचने के बाद हमने किचन के अलग अलग सैंपल्स देखे। कोई वुड किचन था, कोई ग्लास किचन, कोई स्टील किचन। यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है और हम लोगों को इन्होंने हर चीज़ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी करी। तो इनका प्रोसेस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा मुझे, क्योंकि ये सबसे पहले कस्टमर की साइट पर जाके देखते हैं कहाँ पिलर है, कहाँ विंडोज़ हैं। उसके बाद ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उनके बजट के अकॉर्डिंग एक 3D व्यू बना के देते हैं, जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरा किचन बन जाने के बाद कैसा लगेगा। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही व्लॉग्स आपके साथ और शेयर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।